हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आज आप लोग के लिए लेके आई हरितालिका तीज मेकअप लुक, गेट रेडी विथ मी। मैंने आज ऐसे ही रेडी हुआ है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। मैंने सबसे पहले लिया है एनवायो का प्राइमर। प्राइमर हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी, सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी जरूर करिएगा। लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, ये नॉर्मल कवरेज देता है, मीडियम कवरेज जो काफ़ी अच्छा है मेरे फेस के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा शेड है इसमें 02। तो फेस पे डॉट डॉट करके लगा लेंगे, एक ब्यूटी ब्लेंडर से बड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लें। आप अपने बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करिएगा उतना अच्छा आपका फेस पूरा फ्लॉलेस दिखेगा। देख सकते हैं पूरा ब्लेंड कर, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैं कंसीलर के लिए यहाँ ले रही हूँ एनवाईवी का कंसीलर, इसमें मेरा शेड है 01। जो जहाँ जहाँ मुझे कवरेज की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई करूँगी। अगर आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या तो अपने फाउंडेशन को डबल लेयर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट भी करना है वहाँ भी अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसको सेट करने के लिए ले रही हूँ लूज पाउडर। आप पर जो भी लूज पाउडर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ वाइट टोन का लूज पाउडर। ये हम अपने बेस को बेक करेंगे अच्छे से ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे लगा रही हूँ आप भी वैसे अप्लाई कर रहे हो। वो जिस एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसीना होता है उस एरिया पे आप ज़्यादा ज़्यादा लगाएं। आप देख सकते हैं ले रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, इससे हम अपने बेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। ले रही हूँ मैट लुक के आईब्रो पेंसिल, इससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही फिल करूँगी, तो मुझे आईब्रोज ज़्यादा फिल करना अच्छा नहीं लगता। आपको जैसे फिल करना, आप चाहे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो पोमेट। आप देख सकते हैं मैं उसी स्पूली की मदद से अच्छे से इसको फिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं अभी इस पैलेट में से मैं ब्राउन शेड लूँगी, ब्राउन शेड लाइट ब्राउन, जो जिसको मैं अपने ग्रीस लाइन पे लगाऊँगी। दोनों आईज से मैं लगा लूँगी ग्रीस लाइन पे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का करके, थोड़ा थोड़ा कर करके आप लीजिए, लाइट टू डार्क करिए। हेवन का आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ग्रीन कलर, मेरे साड़ी में ग्रीन कलर है तो मैं ग्रीन कलर अपने आई लिड पे लगाऊंगी ग्रीन कलर। आप देखिए ब्रश से अच्छे से नहीं आता है तो आप अपनी फिंगर का यूज़ करें। मैं इसके बाद फिंगर लगाऊंगी क्योंकि ब्रश से अच्छे से नहीं आ रहा था कलर, तो मैं फिंगर से लगाऊंगी।
लिए मैं ले रही हूँ लैक्मी का इंस्टा लाइनर। मैं नॉर्मल सा लाइनर लगाऊंगी, आप देखिए। काजल के लिए मैं ले रही हूँ एस क्यू का काजल। मैं इसमें दिखाना भूल गई, बट मैंने लिया है एस क्यू का काजल। मैं नॉर्मल सा ही काजल भी लगाऊंगी, ज़्यादा बोल्ड नहीं। मैं यही ग्रीन कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी, हल्का हल्का सा ही लोअर लैश लाइन पे आप लगा लें। मस्कारा के लिए मैंने लिया पैरासोनिक का मस्कारा। आप शायद कोई मस्कारा ले सकते हैं, आप शायद फॉल्स लेसेस भी लगा सकते हैं, बट मुझे फॉल्स लेसेस इतना पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं। इसे लूँगी मैं हाईलाइटर, अपने हाईलाइटर लूँगी अपने हाई पॉइंट्स पे लगाने के लिए। आप देख सकते हैं आईब्रोज के नीचे, ब्रो बोन पे, नोज पे, क्यूपिड बो पे, सर, आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर्स पे भी लगाना है, अपने फॉरहेड पे भी लगा सकते हैं। मैं हल्का हल्का हर जगह लगाऊंगी। और एक आपके पास अगर फैन ब्रश नहीं है तो आप अपने नॉर्मल पाउडर ब्रश को भी अपने चीक पे यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसे लूँगी मैं ब्लश, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ही ब्लश लगाना है, आप देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का सा लगाया है ब्लश। ये ब्लू हेवन एलिगेंस लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, आप देख सकते हैं इसमें मेरा शेड आई डोंट नो, मैं मेंशन कर दूंगी, रेड कलर है, आप देख सकते हैं। अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करो, छोटा सा बेल बटन होगा उसको भी हिट कर दी, ताकि आगे इसमें कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।